अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप अमीर हैं, आप में से कई ये कहेंगे कि नहीं भाई हम अमीर नहीं हैं, हमारे पास कहाँ पैसे हैं। अगर मैं ये पूछूं कि अमीर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, अब आप कहेंगे कि हाँ शायद, पता नहीं। या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, उसके हिसाब से बताया जा सकता है। ये जो आखिरी वाली बात कही ना आपने, वो एकदम सही है। कुछ दिनों पहले मैं लंच के लिए अपने दोस्त के साथ बाहर गई। खाना वाना खाने के बाद हमारी लड़ाई शुरू हो गई, पेमेंट मैं करूँगी, मैं करूँगी, मैं करूँगी। अंत में मेरी दोस्त ने कहा कि यार बहन, मुझे पेमेंट करने दे, बोनस मिला है, अमीर हूँ मैं अभी। ये अमीर शब्द ना मेरे दिमाग में बैठ गया। घर आकर मैंने सोचा कि मेरे पास भी 15 से 20 लाख रुपए हैं, तो बड़ी अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन छोटू सी अमीर तो मैं भी हूँ। 3-4 शौक तो मेरे आराम से पूरे हो जाएंगे, है ना। लेकिन उसके बाद क्या, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा कि अमीर कौन होते हैं, कैसा महसूस करते हैं। कई लोगों से बात की, बहुत कुछ पढ़ा लिखा, बहुत सोचा। एक लाइन, एक बात जो मुझे अमीरों के बारे में सही लगी, ठीक लगी, वो ये कि अमीरों को ना अपने घर खर्च चलाने के लिए ना चिंता नहीं करनी होती है। उनकी रातों की नींद ये सोच के नहीं उड़ती है कि कल को अगर नौकरी ना रहे या फिर अकाउंट में तनख्वाह ना आए तो काम कैसे चलेगा। जब मैंने नौकरी शुरू की थी आज से करीब 12 साल पहले, तो मैं हमेशा ये बात कहती थी कि मेरे पास अगर XYZ रकम आ जाए या फलना रकम आ जाए, तो फिर तो मेरी ऐश है, मैं तो फिर कभी नौकरी नहीं करूँगी। वो रकम हर साल बढ़ती चली गई। शुरुआत की थी करीब 50 लाख के आसपास, आज वो रकम है करीब 3 करोड़ रुपए। अब आप पूछेंगे 3 करोड़ क्यों? क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया, मेरे महीने का खर्च है करीब 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास। तो ये 3 करोड़ अगर मेरे अकाउंट में हैं, तो मुझे सालाना 12 लाख के आसपास इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी, तो मेरे महीने का खर्च चल जाएगा आराम से, है ना। पूनम, तुम्हारा कितना है ये अमीरी का रकम? 1 करोड़। क्यों? मेरा खर्च महीने का 10 से 20 हज़ार रुपया है। तो साल के 3-4 लाख अगर तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हारी ऐश है, तुम अमीर। उससे मेरा काम चल जाएगा। पूनम, अगर 1 करोड़ अपने अकाउंट में रख ले, तो ये अमीर हो जाएगी। आपने कभी कैलकुलेट किया? नहीं? क्यों? क्या कह रहे हैं ये कि बहुत मुश्किल काम है? आपको अपना आज का खर्चा पता है ना? अगले कुछ सालों में ये खर्चा कितना बढ़ेगा या कम होगा, इसका मोटा मोटी अंदाज़ा भी आपको होगा। तो फिर किस बात की मुश्किल है? 3 गहरी सांस लीजिए और कैलकुलेट कीजिए। बहुत आसान है, पूनम ने अभी करके दिखा दिया। कैलकुलेट कीजिए और शेयर कीजिए वो अमीरी की रकम मेरे साथ। मैं स्वाति आज से आपको लेकर चल रही हूँ अमीर बनने के सफ़र पर। वो हर बात मैं आपको बताऊँगी जो आपका खजाना बढ़ाने और बनाने दोनों में मदद करेगा।